दाल का पराठा बनाएंगे। तो चलिए, हमारे पास दाल है तो हम इसमें डालते हैं आटा, जो हम जिसे रोटी बनाते हैं रेगुलर। आधा इसमें बेसन डाल देंगे, अब वो जीरा डाल देंगे, अजवाइन डालेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि दाल में भी नमक है, तो हरी मिर्ची डाल दे देंगे। टेस्ट अपना हिसाब से तीखा एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं, कटा हुआ प्याज डाल देते हैं दोस्तों, एक बार इसमें डाल देते हैं अपना बचा हुआ दाल, मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो पानी के यूज करेंगे दोस्तों, नहीं तो हम यूज नहीं करेंगे। ज़रूरत हमें नहीं पड़ा, दाल से ही ये गूंथ चुका है, तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला यूज करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा बहुत पानी यूज कर सकते हैं। देखिए हमारा आटा तैयार हो रहा है। चलिए तब तक आगे प्रोसेस देखते हैं क्या करना है। देखिए दोस्तों, हमने हाथ में तेल अप्लाई कर लिया, इसको इस राउंड बनाना है। आपका दाल बचे तो फेंकिए मत, इसी तरह से पराठा बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। देखिए तवा हमारा गर्म हो चुका, तो पराठा डाल देते हैं, बड़ा छोटा कोई भी साइज का बना सकते हैं। पक चुका है, इसको चलिए पलटा देते हैं। हमारा पक चुका है पराठा, तो इसमें हम तेल अप्लाई कर लेते हैं। अब तेल घी की वही चीज़ में बनाते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल के आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। देखिए पराठा बन के तैयार है, कितना प्यारा कलर है दोस्तों। ये देखिए बचा हुआ दाल का पराठा तैयार है, एकदम गरम पराठा है, ठंडा दही है, नींबू का अचार है। तो ज़रूर बना खाइए, ट्राई कीजिए और बताइएगा कैसा बना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए।